खुदावंद यीशु मसीह के बाबरकत नाम में आपको मेरी तरफ से सलाम पहुँचे। मेरा नाम पास्टर हिज़्किएल याकूब है और यूनिवर्सल गॉस्पल असेंबली ऑफ पाकिस्तान से मेरा ताल्लुक है और मैं एज ए पासबान क्रिशिया के चेयरमैन की हैसियत से खुदावंद की खिदमत सर अंजाम दे रहा हूँ। सो आज हम खुदा के मुकद्दस कलाम को देखेंगे। मेरे साथ आप खुदा के कलाम में से देख सकते हैं, आइए ईसा नबी का सहीफा उसका 53 बाब और उसकी 12वीं आयत को हम पढ़ेंगे, जहां पर ये मरकूम है, लिखा है, इसलिए मैं उसे बुजुर्गों के साथ हिस्सा दूंगा और वो लूट का माल जोरावरों के साथ बांट लेगा, क्योंकि उसने अपनी जान मौत के लिए उंडेल दी और वो खताकारों के साथ शुमार किया गया तो भी उसने बहुतों के गुनाह उठा लिए और खताकारों की शफायत की। मेरे जीसो, आज हम इस आयत के बेजुस पर गौर करेंगे जहां पर ये लिखा है, क्योंकि उसने अपनी जान मौत के लिए उंडेल दी और वो खताकारों के साथ शुमार किया गया तो भी उसने बहुतों के गुनाह उठा लिए और खताकारों की शफायत की। सो आज खुदा के इस कलाम में से हम जिस बात पर गौर करेंगे वो ये कि दुखों में दूसरों के लिए दुआ करना, यानी शफायत करना। हम खुदावन यीशु मसीह की ज़िंदगी से इस बात को सीखते हैं। खुदावन यीशु मसीह जब सलीब पर हम सब की खातिर हमारे गुनाहों को उठाकर लेकर गए और हम सलीब पर खुदावन यीशु मसीह को देखते हैं, खुदावन यीशु मसीह सलीब पर कीलों के सहारे लटके हुए हैं और मसीह का बदन जो है वो घायल किया गया है, नहायत तकलीफ़ और अज़ियत की हालत में मसीह सलीब पर लटके हुए थे और खुदावन यीशु मसीह ना सिर्फ जिस्मानी दुख उठा रहे थे बल्कि ज़हनी दुख भी उठा रहे थे। कलाम मुकद्दस में हम पढ़ते हैं कि रास्ते में आने जाने वाले लोग जो हैं, राह चलते लोग, वो भी खुदावन यीशु मसीह को ठट्ठों में उड़ा रहे थे और मसीह से कह रहे थे, ए मकदस के ढाने वाले और उसे 3 दिन में खड़ा करने वाले, अगर तू स्लीप से नीचे उतर आए तो हम तुझ पर ईमान लाएंगे। सिपाही जो वहाँ मौजूद थे वो भी खुदावन यीशु मसीह को ठट्ठों में उड़ा रहे थे कि तू यहूदियों का बादशाह है, तू अपने आप को बचा। और जो फकीर और फरीसी वहाँ पर यहूदी सरदार मौजूद थे वही खुदावन यीशु मसीह को इसी तरह से ताने दे रहे थे कि अगर तू हकीकत में मसीह है तो अभी तू स्लीप से नीचे उतर आ ताकि हम भी यकीन करें। और मसीह के साथ जो दो डाकू मसलूब किए गए थे वो भी खुदावन यीशु मसीह को ठट्ठों में उड़ा रहे और कह रहे थे कि तू खुद भी बच और हमें भी बचा। सो मेरे अजीजो, हम यहाँ पर इस बात को देखें कि खुदावन यीशु मसीह कितने दुख में सलीब पर मौजूद थे और खुदावन मसीह यीशु ने ऐसी हालत में उन सब के लिए शफायत की है, उन सब के लिए दुआ की है जिन्होंने खुदावन यीशु मसीह को दुख दिया, यीशु मसीह को सलीब तक पहुँचाया। खुदावन मसीह उन सब के लिए दुआ करते हैं। आइए मेरे साथ खुदा के कलाम में से देखिएगा मुकद्दस लूका की अंजील और उसका 23वां बाब और उसकी 32वीं आयत से मैं पढ़ूंगा। लिखा है, जब वो उस जगह पर पहुंचे जिसे खोपड़ी कहते हैं तो वहां उसे मसलूब किया और बदकारों को भी, एक को दाहिनी और दूसरे को बाईं तरफ। यीशु ने कहा, ऐ बाप इनको माफ़ कर क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या करते हैं। सो खुदावन मसीह यीशु ने उन सब के लिए सलीब पर दुख की हालत में शफायत की है और बाप से ये दुआ की है कि बाप तू उनको माफ़ कर क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या करते हैं। खुदावन यीशु मसीह ने यहाँ पर उनके लिए शफायत करके हमें एक नमूना दिया है। पहला पत्रस 2 बाब की 21वीं आयत में लिखा है कि मसीह यीशु
दुख उठाकर हमें एक नमूना दे गया है ताकि हम उसके नक्शे कदम पर चलें। आप नमूना के लफ्ज पर गौर करें तो आप इस बात को जानेंगे कि नमूना का मतलब बिल्कुल उसी तौर पर कोई और चीज जो है वो तैयार की जाती है। सो खुदावन यीशु मसीह के नमूना पर रोल मॉडल जो खुदावन यीशु मसीह ने हमें दिया है, हमने उसी के नक्शे कदम पर हमने चलना है। सो बाइबल मुकद्दस हमें ये बताती है कि खुदावन यीशु मसीह ने हमें एक नमूना दिया है ताकि हम उसके मुताबिक इस दुनिया में ज़िंदगी गुजारें। और खुदावन यीशु मसीह ने हमें तालीम भी दी है, मत्ती की अंजील और उसका 5वां बाब और उसकी 44वीं आयत में लिखा है, लेकिन मैं तुमसे ये कहता हूँ कि अपने दुश्मनों से मोहब्बत रखो और अपने सताने वालों के लिए दुआ करो। सो खुदा का कलाम हमें खुदा मसीह की तालीम बताता और सिखाता है कि हमने अपने दुश्मनों से मोहब्बत रखनी है और अपने सताने वालों के लिए दुआ करनी है। सो हम बाइबल मुकद्दस में इस बात को देख चुके हैं कि खुदावन यीशु मसीह ने जो हमें नमूना दिया है, मसीह ने जो दुख उठाया है, दुख की हालत में खुदावन मसीह ने उन दुख देने वालों को जो नाहक मसीह यीशु को दुख दे रहे थे, खुदावन मसीह ने उनके लिए दुआ की है। खुदावन मसीह इस दुनिया में इंसान को निजात देने के लिए आए थे और ये खुदावन मसीह की वो मोहब्बत है जो मसीह ने इंसानों के लिए जाहिर की है। बाइबल मुकद्दस हमें मसीह की मोहब्बत के बारे में भी सिखा रही है कि मसीह ने किस तरह इंसानों के साथ मोहब्बत की है। और हम इस बात को जानते हैं कि हम भी अगर ऐसे हालात में से गुजरते हैं, हम नाहक सताए जाते हैं, कोई नाहक हमें दुख में डालता है, ऐसी हालत में अगर मसीह की रूह हमारी ज़िंदगी में काम करती है, अगर खुदा का कलाम हमारी ज़िंदगी में मौजूद है, तो हम भी वही कुछ जो खुदावन यीशु मसीह ने अपने दुख की हालत में किया, दूसरों के लिए दुआ की, शफायत की, हम भी इसी तरह से दूसरों के लिए दुआ और शफायत कर सकते हैं। आप बाइबल मुकद्दस में से स्तिफनस के बारे में जानते हैं कि स्तिफनस जो कि इब्तदाई कलीसिया में इंतज़ामी अमूर की खिदमत के लिए चुना गया एज ए डीकन, उसकी खिदमत थी। कलाम में हम पढ़ते हैं कि वो ईमान से मामूर था और हिकमत के साथ वो कलाम भी सुनाया करता था। और बास लोगों ने इस पर ये इल्ज़ाम लगाया कि वो मूसा के और खुदा के खिलाफ कुफर की बातें बकता है और इस पाक मकाम और शरीयत के खिलाफ बोलने से बास नहीं आता। और जब स्तिफनस एक वास कर रहा था और स्तिफनस ने उस वास में उन सब को मुखातिब करके ये कहा, आइए मेरे साथ आप देख सकते हैं इमारुस का 7वां बाब और उसकी 51 आयत से, यहाँ पर हमें स्तिफनस का वास मिलता है। उसने फरमाया कि गर्दन कशो और दिल और कान के नामख्तूनों, तुम हर वक्त रूह कुद्स की मुखालफत करते हो जैसे तुम्हारे बाप दादा करते थे, वैसे ही तुम भी करते हो। नबियों में से किसको तुम्हारे बाप दादा ने नहीं सताया? उन्होंने तो उस रास्तबाज के आने की पेश खबरी देने वालों को कत्ल किया और अब तुम उसके पकड़वाने वाले और कातिल हुए। तुमने फरिश्तों की मार्फत से शरीयत तो पाई पर अमल ना किया। जब उन्होंने ये बातें सुनी तो जी में जल गए और उस पर दांत पीसने लगे, मगर उसने रूह कुद्स से मामूर होकर आसमान की तरफ गौर से नजर की और खुदा का जलाल और यस्सु को खुदा के दाहिनी तरफ खड़ा देखकर कहा, देखो मैं आसमान को खुला इब्ने आदम को खुदा की दाहिनी तरफ खड़ा देखता हूँ। मगर उन्होंने बड़े जोर से चलाकर अपने कान बंद कर लिए और एक दिल होकर उस पर झपटे और शहर से बाहर निकाल कर उसको
संसार करने लगे और गवाहों ने अपने कपड़े साउल नाम एक जवान के पांव के पास रख दिए। बस ये स्तिपनस को संसार करते रहे और वो ये कहकर दुआ करता रहा, ऐ खुदावन यस्सु मेरी रूह को कबूल कर। फिर उसने घुटने टेक कर बड़ी आवाज से पुकार कर पुकारा कि ऐ खुदावन ये गुनाह इनके जिम्मे ना लगा, और ये कहकर सो गया और साउल उसके कत्ल पर राजी था। यहां स्तिपनस के बारे में देखते हैं कि स्तिपनस जब वास कर रहा था सो वहां पर वो लोग जी में जल गए और दांत पीसने लगे, और स्तिपनस ने रूल कुछ से मामूर होकर आसमान की तरफ निगाह की है और आसमान खुल गया है और स्तिपनस ने खुदा का जलाल देखा और यीशु को खुदा बाप के दाहिनी तरफ खड़े हुए देखा है। यहां गौर करते हैं स्तिपनस जो रूल कुछ से मामूर था और रूल कुछ का पहला फल मोहब्बत ही है। यहां हमें स्टिफनेस के अंदर लोगों की वो मोहब्बत नजर आती है, जो मोहब्बत खुदावन यीशु मसीह के अंदर हमें नजर आती है वही मोहब्बत जो है स्टिफनेस के अंदर नजर आती है। और इसलिए यहां पर स्टिफनेस के अंदर जो मसीह की रूह काम कर रही है, स्टिफनेस ने भी वही अल्फाज अदा किए जो खुदावन यीशु मसीह ने अदा किए थे, और स्टिफनेस ने भी खुदा बाप को बड़ी आवाज से पुकार कर कहा, ऐ खुदावन ये गुनाह इनके जिम्मे ना लगा। सो मेरे अजीजों, अगर हम में मसीह की रूह है, अगर हम में खुदा का कलाम मौजूद है, तो हम वही कुछ करेंगे जो हमारे खुदावन मसीहा ने किया है। सो हम बाइबल मुकद्दस में इब्तदाई कलीसिया के बारे में पढ़ते हैं कि इब्तदाई कलीसिया की जिंदगी में खुदा का रूह काम करता था, खुदा का कलाम उनकी जिंदगी में मौजूद था, और वो अजायर सानी के दिनों में अपनी मुश्किलात और मुसीबत के दिनों में वो किस तरह से जिंदगी गुजारते थे। बाइबल मुकद्दस में से आइए हम देखें जरा इमाल उसका 12वां बाब उसकी पहली आयत से हम देखें। लिखा है, करीबन उसी वक्त हेरोदीस बादशाह ने सताने के लिए कलीसिया में से बास पर हाथ डाला और यूहन्ना के भाई याकूब को तलवार से कत्ल किया। जब देखा कि यह बात यहूदियों को पसंद आई तो पतरस को भी गिरफ्तार कर लिया, और ये ईदे फतीर के दिन थे, और उसको पकड़कर कैद किया और निगहबानी के लिए चार चार सिपाहियों के चार पहरों में रखा, इस इरादा से कि फसा के बाद उसको लोगों के सामने पेश करे। बस कैद खाना में तो पतरस की निगहबानी हो रही थी, मगर कलीसिया उसके लिए बदलो जान खुदा से दुआ कर रही थी। यहां हम देखते हैं कि कलीसिया उस वक्त जब उनके चर्च लीडर्स को गिरफ्तार किया गया है, याकूब रसूल को कत्ल किया गया है और पतरस रसूल को अब तक कैद में रखा है, और पतरस रसूल को भी कत्ल किया जाने वाला था, यहां हम कलीसिया का रवैया देखते हैं कि कलीसिया क्या कर रही है। कलीसिया जो है वो बाहर सड़कों पर नहीं निकली, कलीसिया ने अपने हाथों में डंडे नहीं पकड़े, अपने हाथों में पत्थर नहीं पकड़े, कलीसिया ने सरकारी अमलाक को नुकसान नहीं पहुंचाया, गाड़ियों के शीशे नहीं तोड़े। कलीसिया एक जगह जमा होकर खुदा से दुआ कर रही थी, और जब कलीसिया दुआ कर रही थी खुदा ने अपने फरिश्ता को भेजा और कैद खाना के दरवाजे खुल गए और पतरस जो है वो आजाद हो गया। हालेलुया। सो मेरे अजीजो, हम इब्तदाई कलीसिया के बारे में देखते हैं कि वो दुआ करने वाली कलीसिया थी, और खुदा दुआ के वसीला से काम करता है। यहाँ दुआ के वसीला से ही खुदा ने अपने फरिश्ता को भेजा है। जब हम दुआ करेंगे खुदा आसमान से हमारे लिए कुमक भेजेगा, आसमान से हमारे लिए मदद को भेजेगा। हमें एहतजाज करना चाहिए, लेकिन कैसे करना चाहिए, आइए हम बाइबल मुकद्दस में से देखें। हम एक पैटर्न देखते हैं कि किस तरह से हमें अपनी आवाज़ जो है अफसराने बाला तक पहुंचानी चाहिए। मेरे साथ आप देख सकते हैं आस्तर की किताब में से
आइए मेरे साथ देखें आस्तर के बारे में। आप सब जानते हैं कि आस्तर एक यहूदी लड़की थी और आस्तर को खुदावंद ने खास मकसद के लिए इस मुल्क में रखा था। हमें भी खुदा ने खास मकसद के लिए इस मुल्क में रखा हुआ है और हम देखते हैं कि आस्तर जो है उस मुल्क में मलका तक पहुंची और उसे अक्सफीरिस बादशाह की मलका बनाया गया और अक्सफीरिस बादशाह एक बड़ी ममलकत का बादशाह था और वहाँ यहूदी लोग भी रहते थे। और कलाम मुकद्दस में हम इस बात को पढ़ते हैं कि बनी इसराइल के लोग जो वहाँ रहते थे, आस्तर मलका बन चुकी थी, लेकिन हम इस बात को देखते हैं कि एक शख्स वहाँ पर हमाम जो बादशाह का राइट हैंड था, उसने एक साजिश की, इसलिए कि वो यहूदियों से नफरत करता था और उसने एक साजिश के तहत बादशाह से दस्तखत करवाए और उसने इसलिए दस्तखत करवाए कि एक ही दिन में सारे यहूदी जो 127 सूबों में जहां जहां भी रहते हैं, चाहे वो बूढ़ा है या जवान है, बच्चे हैं या औरतें हैं, एक ही दिन में वो कत्ल कर दिए जाएं। और जब ये बात मर्दगी को पहुंचती है, मर्दगी जो है वो आस्तर का चचाजाद भाई था और उसने उसको बेटी करके पाला था और वो दरबार में आया जाया करता था। और कलाम में हम पढ़ते हैं कि मर्दगी ने ये खबर आस्तर तक पहुंचाई और जब आस्तर तक ये खबर पहुंचती है तो आस्तर ने मर्दगी से ये कहा कि जा जितने सोसन में, कैसरे सोसन में जहां पर बादशाह रहता था, जितने कैसरे सोसन में यहां पर यहूदी लोग मौजूद हैं, तुमसे कहे कि तुम मेरे लिए 3 दिन का रोजा रखो, ना कुछ खाओ ना पियो, और 3 दिन के बाद मैं बादशाह के हजूर में जाऊंगी। गो ये आइन के खिलाफ है, क्योंकि अगर कोई बिन बुलाए बादशाह के हजूर में जाए तो बादशाह का हुक्म है कि वो कत्ल कर दिया जाए। लेकिन आस्तर ने कहा कि मैं बादशाह के हजूर जाऊंगी, अगर मैं हलाक हुई तो हलाक हुई। सो आस्तर ने ये इरादा किया। 3 दिन के बाद बड़ी तैयारी के साथ, दुआ और रोजा के साथ उन्होंने तैयारी की थी। तैयारी के साथ आस्तर जो है बादशाह के हजूर में जाती है और वहां पर खुदा ने काम करना शुरू किया और बादशाह का दिल खुदा ने तब्दील किया और बादशाह ने अपना सुनहरा आसा आस्तर की तरफ बढ़ा दिया, जिसका मतलब था कि आस्तर की जान बख्शी गई है, अब वो सवाल कर सकती है। और आस्तर ने सवाल किया और आस्तर ने बादशाह से कहा कि मैंने एक ज़ियाफ़त का एहतमाम किया है और तू इस ज़ियाफ़त में हमान के साथ वहाँ पर आना। और कलाम में हम इस बात को पढ़ते हैं कि जब आस्तर ने जो ज़ियाफ़त तैयार की थी, बादशाह हमान के साथ वहाँ पर आया और बादशाह ने उस ज़ियाफ़त में आस्तर से वो सवाल पूछा कि अब तेरा सवाल क्या है और तू क्या चाहती है। कलाम मुकद्दस में हम इस बात को पढ़ते हैं, आस्तर 7वां बाब उसकी 4वीं आयत से आस्तर ने कहा कि मेरी दरख्वास्त ये है, क्योंकि मैं और मेरे लोग हलाक और कत्ल किए जाने और नेस्त और नाबूद होने को बेच दिए गए हैं। अगर हम लोग गुलाम और लोंडियां बनने के लिए बेच दिए जाते तो मैं चुप रहती, अगरचा उस दुश्मन को बादशाह के नुकसान का मुआवजा देने का मकदूर ना होता। तब अक्सफीरिस बादशाह ने आस्तर मलका से कहा, वो कौन है और कहाँ है जिसने अपने दिल में ऐसा ख्याल करने की जुरत की? आस्तर ने कहा कि वो मुखालिफ और वो दुश्मन यही खबीस हमान है। तब हमान बादशाह और मलका के हजूर हरासा हुआ और बादशाह गजबनाक होकर मैं नोशी से उठा और महल के बाग में चला गया और हमान आस्तर मलका से अपनी जान बख्शी की दरख्वास्त करने को उठ खड़ा हुआ, क्योंकि उसने देखा कि बादशाह ने मेरे खिलाफ बदी की ठान ली है। और बादशाह के महल के बाग
और बादशाह महल के बाग से लौटकर मैनोशी की जगह पर आया और हमान उस तख्त के ऊपर जिस पर आस्तर बैठी थी पड़ा रहा। तब बादशाह ने कहा, ये घर ही से मेरे सामने बल्कि मलका पर जबर करना चाहता है। इस बात का बादशाह के मुंह से निकलना था कि उन्होंने हमान का मुंह ढांक दिया। और फिर हमान को उसी दिन, जिस दिन सारी बनी इसराइल कौम एक ही दिन में हलाक की जाने वाली थी, एक 50 हाथ लंबी ऊंची सूली पर उसको लटका दिया गया। मेरे अजीजों, हमने इस वाक्य में देखा कि मलका ने किस तरह मंसूबा बंदी की और उसने खुद भी रोज़ा रखा, उसकी सहेलियों ने भी रोज़ा रखा, यहूदी कौम ने भी रोज़ा रखा और रोज़े और तैयारी के साथ वो बादशाह के हजूर में गई और खुदा ने बादशाह का दिल तब्दील कर दिया। मेरे अजीजो, हम इसी तरह जब हम पर नाहक जुल्म होता है, हम सताए जाते हैं, हम अज़ाए रसानी में से गुज़रते हैं, हम दुखों में से गुज़रते हैं, हमारा काम क्या है कि हम खुदा के हजूर में दुआ और रोज़ा में ठहरें और हम अपनी आवाज़ खुदा के हजूर में पहुंचाएं। हम अपनी आवाज़ अफसरान बाला तक पहुंचा सकते हैं, हम असम्बलीज़ तक अपनी आवाज़ को लेकर जा सकते हैं, लेकिन दुआ और रोज़ा के साथ तैयारी करके। मेरे अजीज़ो, बाइबल मुकद्दस में से हमने सीखा है कि हम अपने दुखों में जब हम पर ऐसे हालात आते हैं तो हमें क्या करना चाहिए। हमें खुदा के हजूर में ठहर कर हमने दुआ करनी और दूसरों के लिए, अपने सताने वालों के लिए हमने शिफायत करनी है। सो मेरे अजीज़ो, खुदावंद आप सबको बरकत दे और इस कलाम पर अमल करने की तौफीक बख्शे।